आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, जहर का इंजेक्शन देकर हत्या करने का आरोप। जनपद के एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव उसी के कमरे में उसी के बेड पर पड़ा हुआ मिला। मुंह से जहां निकल रहा था, घर पर कोई नहीं था। आपको बताते चले कि घर के पर उसके सिर्फ पति और पत्नी ही रहते थे। रात में पति और पत्नी की कुछ विवाद होता है और विवाद के चलते पति एक बड़ी घटना का अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। बहरहाल ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र मल्लीपुर के लक्ष्मणपुर सेमरनिया गांव का है, कौदलिया गांव का है, जहां पर रुक्मणी नाम महिला का शव उसी के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पड़ा हुआ मिला। जब उसके मायके वाले घर पहुंचे तो घर में दरवाजे से बाहर कुंडी चढ़ी हुई थी। परिवारों ने जब कुंडी खोली तो रुक्मणी का शव उसके बेड पर पड़ा हुआ मिला। देखा कि मुंह के झाग निकल रहा था, तभी मौके पर मल्लीपुर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। वहीं परिजनों का आरोप है कि आज कई दिनों से रुक्मणी को उसका पति रिंकू प्रार्थना कर रहा था और उसकी तबीयत भी खराब थी, जहाँ पर रुक्मणी का जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल घर में कोई नहीं है, घर में उसके पति रिंकू और पत्नी रुक्मणी ही रहती थी। रिंकू लखनऊ में खाना बनाने का काम करता था, आज 8 से 10 दिन पहले आया था। रिंकू अपने साथ 4 माह का बच्चा लेकर फरार हुआ। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया और जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम के लिए शिव को भेजते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट श्रावस्ती बुजो अहमद। मार के